बरनाला पेपर फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों रुपए का नुकसान। बीती रात बरनाला में तेज आंधी तूफान के चलते मल्टीनेशनल ट्राइडेंट ग्रुप के पेपर मिल यूनिट में आग लग गई। ट्राइडेंट ग्रुप के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इस भीषण आग में पेपर बनाने वाला रॉ मटेरियल एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सहित तकरीबन 50 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहीं ट्राइडेंट मालिक द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि जो सोशल मीडिया पर अफवाह खबरें दी जा रही हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर किसी कर्मचारी की मौत नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने बरनाला शहर के आसपास के गाँव वासी और बरनाला सिविल प्रशासन पुलिस प्रशासन का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए हर पुख्ता कदम उठाया और वहीं तकरीबन पंजाब के 19 स्टेशनों से दमकल गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया, नहीं तो यह हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था। सर, सब तो पहला तो मैं बरनाला वासियों का, पिंड वासियों का, सारी जो अपनी लोकल प्रशासन, पंजाब प्रशासन का, एयरफोर्स का, डिफेंस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना है। उन्होंने मौके पर आके हर चीज़ से काबू पाया। कल जो ही ये झक्खड़ 7:30 या 8 बजे झक्खड़ आया, वो नाल जो कुछ सुलगदी हुई अग सी वो पूरे तरीके नाल पांबड़ पै गए और वो नाल जो नुकसान होया उहदा वेरवा कल तक सामने आ जाएगा। लेकिन मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हैं कि किसी भी किस्म का किसी नूं खरोंच तक नहीं आई, कोई माली नुकसान नहीं होया। और ये भी कहना चाहना है कि इन्ने बड़े झक्खड़ और इन्ने माड़े मौसम के बावजूद जो सहयोग मिलिया सब दा, उस करके इस अग ते बड़ी जल्दी काबू पा लिया गया। थोड़ी बहुत अग सुलग रही है, उन्हें भी शायद कल तक काबू पा लिया जाएगा। देखो, नुकसान नूं मेरा कहना पहली गल तां क्योंकि मैं बैलेंस शीट नहीं देखता, लेकिन नुकसान नूं रॉ मटेरियल का नुकसान तो सामने नज़र आ रहा है। लेकिन जो मशीनों का, चाहे कोई उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड्स ने, चाहे कोई इलैक्ट्रॉनिक आइटम्स ने जिहड़े अग का सेक बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कोई इलैक्ट्रिकल वायर्स ने जिहड़े अंदरों निकल रही ने, या होर जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स ने जिहड़े इंपोर्टेंट ने, उन्हां बारे नुकसान कह पाना बड़ा मुश्किल है। साडा अपना अनुमान है कि कुल मिला के 50 करोड़ तक भी नुकसान जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। देखिए, मैं आप उत्थे साइट पर सी, साड़ी सारा सीनियर मैनेजमेंट उत्थे सी, साड़े परिवारिक मैंबर उत्थे सी। मैं पूरे आश्वासन कह सकता है कि किसी भी बंदे नूं खरोंच तक नहीं आई। ये रब का बहुत बड़ा शुकराना है और ये सब तो बड़ी इस पवित्र धरती दी और लोगों का सहयोग है। मैं इदू बाद नहीं कह सकता कुछ कि मेरे साम किसी नूं भी कोई खरोंच तक नहीं आई। बिल्कुल जिस ही अग लगी तो असी जो भी ये माध्यम होंगे ने उन्हां नाल राबता कायम किया और जिस तरीके की सपोर्ट मिली है, मैं नहीं समझता कि कोई अल्फाज उस सपोर्ट नूं उस बारे धन्नवाद दे काबिल होंगे। तुसी आप देखो किस जगह तो फायर ब्रिगेड्स नहीं आए, फायर ऑफिसर्स नहीं आए, पुलिस दे उच्च अधिकारी, जिले के उच्च अधिकारी, बाहरले जिलों के अधिकारी और उन्हां दी हर सपोर्ट, हर किस्म की सपोर्ट मैं जिन्ना उन्हां धन्नवाद कर सकां उन्ना घट है। और नगर वासियों का, पिंड वासियों का, गुरद्वारा साहबान का, सरपंचों का, पंचों का जो उन्होंने आके सहयोग देने
ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੁਵਿਧਾਓ ਸੇ ਯੁਕਤ ਜੇਪੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਮਥੁਰਾ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੇ ਸੁਸੱਜਿਤ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਅਗਰਵਾਲ, JSR Tower, Govardhan Crossing, NH 19, Mathura.